भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों 8 नवंबर 2016 नूं दित्ते गए एक बयान ने देश नूं हिला के रख दिता सी, जिस दे चलते हर आम अते खास नूं लाइना विच लगना पिया सी। जी हाँ, तुसी सही समझ रहे हो, असी गल कर रहे हैं नोटबंदी दी, जिस दे बाद भारत दे लोकां नूं लीहे आउंदे 6 महीने का समा लग गया सी। पर हुण बीते दिनी भारत दे सहयोगी देश नेपाल वालों ये बोल के भारतीय करंसी दे वड्डे नोटां दा चलन नेपाल विच बंद करन दे हुकम जारी किए गए हैं कि भारत वालों वड्डी गिणती विच उन्हां दे कोल पए भारत दे पुराने नोटां नूं नहीं बदलिया गया है। पर जेकर गल करिए देश दी जनता दी, तां उन्हां नूं ये गल हजम नहीं हो रही कि नेपाल ने 2 साल तक कुछ नहीं किया, पर 2 साल बाद नवीं करंसी नूं बंद करना कितना कितने सवाल खड़े करता है। अते अजिहा उस वेले हो रहा है जब कुछ दिन पहला भारत दे साबका RBI दे गवर्नर वालों अस्तीफा दिता गया है। गुआंढी देश नेपाल वालों भारतीय करंसी दे वड्डे नोट बंद किए जाण दे चलदे जद न्यूज नंबर टीम ने स्थानक लोगों नाल गलबात की, तो उन्होंने कहा कि नेपाल वालों लए गए इस फैसले बहुत वड्डी साजिश लग रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल भारतीय नोट बंद करके सरकार दे दबाव बनाना चाहुंदा है अते उस जवाब हेठ भारत विच मौजूद काले धन नूं चिट्टी चादर पाउणा चाहुंदा है। उन्होंने कहा कि 2 साल तक नेपाल नूं याद नहीं आया कि उन्हां कोल पुराने नोट पए हुए हैं अते उन्हां नूं बदलना है, इसलिए नेपाल दा इह ऐलान भारत दे नाल सिद्धे तौर ते धोखा है। मैनूं तां इह बहुत वड्डे षडयंत्र दी जिहड़ी बोआ आण रही है इहदे विच, क्योंकि नेपाल ने जो नोटबंदी की थी उदों कुछ भी नहीं किया। हूँ अज नेपाल जरा 13 दिसंबर नूं कह रहा कि साढ़े जो 200 वाले नवे नोट है, 500 वाले है या 2000 वाले नोट है, वह साड़ी कंट्री दे विच बैन है इंडिया के और छोटे नोट ही चलणगे। क्या नेपाल नूं जदों नोटबंदी हुई उदों अज इस काम नूं मेरे ख्याल 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया नोटबंदी नूं, क्या इस विच नेपाल नूं उदों चेता नहीं आया? हुण नोटबंदी दी आड़ जिहड़ी नेपाल इस नोटबंदी दी आड़ दे विच जिहड़ी साडी करके करंसी बंद करके जिहड़े कारपोरेट घरानियां दे जिहड़े लोकां ने रुपये हज़ारां रुपये लखां करोड़ां रुपये जिहड़े दब के रखे दे पुरानी करंसी दब के रखी उह वाया जिहड़ी नेपाल दे थ्रू हो के इंडिया गवर्नमेंट दे दबाव बना के उह मेरे ख्याल चेंज होगी। मेरा ते इह षडयंत्र दी बहुत वड्डी बो आ रही है और जिहड़ा लोकां कोल रुपये पुराना काला धन अजे पिया वा ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਡਯੰਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਡਯੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। दूजे पासे व्यापारियों ने भी नेपाल के इस फैसले से खदशा जाहिर किया है अते उन्हां दा कहना है कि नेपाल नाल साडे दोस्ताना संबंध ने। नेपाल विच साडी करंसी आम चलदी सी ते नेपाल दे लोग भारत विच काम करन दे लई भी आउंदे हन, पर नेपाल दे ऐलान तों बाद हुण लगदा है कि साडे मित्र देश नाल भी संबंध खराब हुंदे जा रहे हन, इसलिए इह कहना गलत नहीं होवेगा कि मोदी सरकार दी पॉलिसी फेल हो गई है। नेपाल नाल साडा फ्रेंडली कंट्री रहा जी, असीं उत्थे आ सकदे सी, उह इत्थे आ सकदे सीगे, ਇੱਕੋ ਜੇ ਨੋਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਲਾਏ ਕਰੇ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਾਇਆ ਨੇਪਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਸਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਪਰਤਾਵੇ।